Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा ठीक रहें. तो viewers, आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और दमदार सी रेसिपी, चिकन वाइट कढ़ाई, और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में. तो चलें स्टार्ट करते हैं. वाइट चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपने पैन में ऑयल डालना है. तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून. चिकन मैंने लिया है 1/2 kg. अब हमें ये करना है, चिकन को पहले हमें अच्छी तरीके से ऑयल में फ्राई कर लेना है. थोड़ा फ्राई करने से ये देखें, तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इसे फ्राई किया है और इसका कलर चेंज हो चुका है. इस पॉइंट पे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे 1 खाने के चम्मच. अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आपने इसे 1 मिनट तक थोड़ा सा भूनना है. और अब हम इसमें डालेंगे 1 चाय के चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 खाने के चम्मच जीरा पाउडर, 1 चाय के चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चाय के चम्मच कुटीली मिर्च, 1/2 चाय के चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1/2 चाय के चम्मच कुटा हुआ धनिया और 2 हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है. 2 हरी मिर्च चॉप करके इसमें हम ऐड करेंगे. अब इसे अच्छी तरीके से भुनेंगे. ये देखें, अपने मसालों को डालकर मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे इसे 2 मिनट तक अच्छे से भूनना है. अगर आपका मसाला आपके पैन में लग रहा हो पतीले में, तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी डाल लीजिएगा, क्योंकि मेरा नॉन स्टिक है तो मेरा नहीं चिपक रहा. 3 मिनट हो चुके हैं और 3 मिनट से मैंने सारे मसालों को अच्छी तरीके से चिकन में खूब मिक्स करके भून लिया है, ताकि सारे मसाले का जो फ्लेवर है, सारे मसालों का फ्लेवर, वो चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए. इसके बाद हमने इसमें दही शामिल करना है. दही 1 कप शामिल कर लीजिएगा इसमें. अब हमें इसे कवर कर देना है और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसे लो फ्लेम में पकने देना है, ताकि जो दही का पानी है उसमें हमारी चिकन अच्छी तरीके से गल. 7 मिनट हो चुके हैं, ये हमारे चिकन का लुक आ रहा है. अब हमें इसमें 1/2 कप क्रीम ऐड करना है. क्रीम शामिल करने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है. क्रीम डालने के बाद हमें इसमें मोटी मिर्च तकरीबन 5 बीच में से आधी आधी करके काट के इसमें मिक्स कर देना है. इसे अच्छे से चलाकर अब हम इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे कवर करके. दो मिनट हो चुके हैं. इस पॉइंट पे हमने नमक को ऐड करना है हस्बे ज़रूरत. नमक हमने हस्बे ज़रूरत अब इसमें ऐड कर दिया है. अब इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हमने इसमें अदरक इस तरीके से शामिल करना है. अब इसे हम कवर कर देंगे, थोड़ा सा कप जो थोड़ा इसे ड्राई होने देंगे. 2 मिनट, 3 मिनट हो चुके हैं. 3 मिनट में देखें इसका इस तरीके से जो है वो लुक हो चुका है. बस अब हमें इसे डिश आउट करना है. हमारी चिकन वाइट कढ़ाई बिल्कुल रेडी है. ये देखें, हम इसे डिश आउट करेंगे फ्लेम ऑफ करके.
चिकन व्हाइट कढ़ाई में अब हमें क्या करना है, ये देखिए, ये मैंने 3 मोटी मिर्चों को चॉप किया है, काट लिया है, और इसे हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। अदरक भी यूज, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी कढ़ाई है। अब हम इसमें हरा धनिया गार्निश कर रहे हैं। तो गाइस ये देखें, तैयार है हमारी मज़ेदार चिकन वाइट कढ़ाई, और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे अपने घर में ट्राई करें, अपने मेहमानों को बनाकर खिलाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, और उन सबसे बहुत सारी तारीफें लें। मेरी प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके खूबसूरत से फीडबैक का, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।